तो एक कहिएगा, इसलिए लोकल सैम्पल में जो जो नए फीचर्स आए हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, फ्रंट हम स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली फ्रंट से ही। फ्रंट पार्किंग सेंसर सीबी यूनिट में नहीं थे, वो यहाँ भी मिल जाएगा, एक इस साइड भी आ जाएगा और एक इस साइड भी आ जाएगा। सेकंड चीज़ जो है ना, जो ऐड हुई है वो हम एक NVH गार्ड ऐड हुआ है जो कि नॉइस वाइब्रेशन वगैरह को कंट्रोल में रखेगा। ये फ्रंट बोनट पे ये चीज़ मिल जाएगी। तीसरी चीज़ ऐड हुई है स्टेबलाइजर बार जो गाड़ी की स्टेबिलिटी को बेहतर रखती है। और साथ में एक आर्मरेस्ट ऐड किया जो कि सीबीयू यूनिट में नहीं था, है लोकल असेंबल में आर्मरेस्ट आ रहा है। हाँ, और ये डिग्गी में एक NVH गार्ड ऐड किया गया, इसका भी सेम वही पर्पज़ है, नॉइस कैंसिलेशन वाइब्रेशन कंट्रोल रखेगा। और साथ में सागा एस जो भी वेरिएंट होगा उसका साथ में टैग आ जाएगा। स्टैंडर्ड मैनुअल होगी तो MT आ जाएगा, ऑटो होगी तो ऑटो आ जाएगा, एस होगी तो एस आएगा। ये कुछ छः चीज़ें बनती हैं जो ऐड ऑन हुई हैं। तो इसकी प्राइस में कोई डिफरेंस है? प्राइस वही है जो जुलाई में इम्प्लीमेंट हुई थी, 50,000 ऑफ हुई थी, तो फिलहाल वही चल रही है। 21,75,000 एक्सपेक्टरी प्राइस आ रही है, ठीक है, जिसमें विद होल्डिंग और फ्रेट शामिल नहीं है, वो सेपरेट होंगे दोनों चीज़ें। और बुकिंग 4,00,000 से हो रही है और वो फरवरी में मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो जैसे डॉलर की कीमत इंक्रीज होने पर सारी गाड़ियों के रेट अप हुए हैं, तो इसमें कोई चांसेस हैं अप होने के? अभी तक तो फिलहाल प्रोटॉन वेटिंग लाइन पे लगी हुई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इनका, डिलीवरीज ऑलरेडी लेट थी, तो वो कंपनीज पर वर्किंग कर रही है कि प्राइसेज इंक्रीज करें या ना करें, क्योंकि अगर इंक्रीज़ करते हैं तो स्टार्टिंग की बैड इम्पैक्ट पड़ जाएगा कस्टमर पर, तो ये ज़रा कंपनी बड़ा इस पर सोच विचार कर रही है कि वो प्राइसेस होपफुली कि ना ही इंक्रीज़ हों। ठीक है, फिर भी अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, पर जो चांसेस हैं कि नहीं होंगी। यानी ये कहना गलत नहीं है कि हर ये वर्थ करिए जिसकी प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई। हाँ, फिलहाल फिलहाल हाँ।